नजफगढ़ से आया हूँ, हरफुल बिहार नजफगढ़। हाँ, गांव कहाँ तुम्हारा? बिहार से हूँ, सहरसा जिला से बिहार। कौन सा जिला है? सहरसा। सहरसा, यहाँ का किसने बता दिया? बताया था मुझे, जो है गया था यहाँ से कोई, वही बताया था मुझे। बोलो क्या बात? बहुत मेरे साथ जो है घटना घट रहा है, घर घर में चोरी हो गया, जो है 3 मोबाइल ले गया, फिर लड़के को खरीद करके दिया, हाथ से छीन लिया क्या ले गया? मोबाइल, छीन लिया हाथ से। 3 पहले चोरी हुआ, महीना के अंदर में जो है ये 3-15 घटना घट गया। 3 मोबाइल छीन लिया, उसके बाद जो है कुछ ना कुछ होते रहता है घर में, जो है काफ़ी परेशान हूँ। तुम्हारे साथ पत्नी में? पत्नी पत्नी बीमार रहती है बराबर जो वो है, तो घर में तुम्हारे भूत का चक्कर है, इस वजह से हो रहा है जो है। अनेकों पत्नी को दिखाई भी देता भूत तुम्हारे, लेके क्यों नहीं आए तुम? अनेकों आज जो है व्रत में थी, शनि व्रत कर रही थी तो नहीं आ पाई, बोली मैं नहीं जा पाऊंगी। अब तो चोरी हो गया मोबाइल, वो तो मिलेंगे नहीं। हाँ, मिलेंगे नहीं। अब एक मिल भी गया तो पुलिस दे नहीं रहा है, तो तीसरे दिन ही जो अब है नहीं मिलेगा। पुलिस वाले कह रहा, जो आजकल कर रहा है, एक मिल भी गया, तीसरे दिन फोन किया, जो मोबाइल जो है जनकपुरी थाने आ जाओ। जब वहाँ गया तो बोला, जो अपना जो है पासवर्ड बताओ क्या है, पासवर्ड बताया तो कहता है क्या, जो मैं जो है कोर्ट से दूंगा, द्वारका कोर्ट से दूंगा। अब फिर कह रहा, जो मैं ट्रांसफ़र कर दिया हूँ रनहोला थाना, इसके जो अंदर। कि जिसका सुराग मिल गया वो तो मैं मिल जाएगा, हाँ अब नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा, जो कि मिल गया है पुलिस के पास है, वो नहीं वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा लेकिन अब नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, मत पहले जो चोरी हुआ वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ी कानूनी प्रक्रिया कर लो, वो भी मिल जाएगा, यानी कि जो जिसका सुराग मिला है वो मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन बाकी के जो है वो नहीं मिलेगा। और गुरुजी, बच्चे जो है उसको दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, कहता है जो मतलब इसके ऊपर ग्रह है क्या है, नहीं है। राजेश नाम है, मिस्त्री का काम करता है, उसके दिमाग में घुसता नहीं है काम क्या। काम कर तो रहा है वो, कर तो रहा है, लेकिन वही बात है, दिमाग में नहीं घुस रहा। अभी तक जो है 6-7 वर्ष से काम कर रहा है, लेकिन दिमाग में नहीं घुस रहा, पूरा काम आया नहीं है, आ नहीं रहा है उसको। घर में भूत का चक्कर है जिस कारण से ये दिक्कत बन रही है। ठीक है, पूरे परिवार के साथ में कम से कम, ठीक है, कम से कम दो हाजिरी दो। ठीक है, दो हाजिरी दो उतारा बंधन के साथ में। ठीक है जी, दो हाजिरी दो, और उसके बाद में बाकी की हाजिरी कोई भी संकल्प के साथ में दे। ठीक है, काम चलेगा, जिस काम को तुम सिखाना चाहते हो लड़के को, मिस्त्री के काम को, जो उसके समझ में नहीं आ रहा है वह उसके समझ में आ जाएगा, वो मिस्त्री बन जाएगा, अच्छा मिस्त्री बन जाएगा, मिस्त्री नहीं अच्छा वो ठेकेदार बन जाएगा। ठीक है, जो कि तुम बनाना चाहते हो जी, बन जाएगा। और भूत का चक्कर है, भूत के चक्कर की वजह से समस्या बन रही है, और उसी वजह से जो है कोई काम नहीं हो पाता, कर्ज के बोझ में इतना दबाव। मैंने लिख दिया इस पे, पढ़ो। काम की दिक्कत बन रही, ठीक है, दिखाई दे रहा है? कम दिखाई देता मुझे तो अब नहीं। आँख बिल्कुल मेरा जो है काम नहीं करता है, दिखा रखे लेकिन जो है ऑपरेशन। जवाहर के घर में भूत का चक्कर के कारण से रोग जैसी स्थिति व काम की दिक्कत बनी। ठीक है जी। हाँ, फिर किसी से पढ़वा लेना तुम जा करके जी। इस कारण से दिमाग में उलझन बनी रहती है तुम्हारे, जिस कारण से उलझन बनी रहती है, घर का कलेश भी शांत होगा, काम मिलेगा। ठीक है, काम मिलेगा और अच्छे से चलेगा, बिल्कुल चिंता ना करो, यह मंत्र, इस मंत्र का जाप करना। ठीक है, और हाजिरी दो, हनुमान जी कृपा करेंगे, रास्ता बनेगा। ठीक है, चलो ये नियम करना और रामायण का पाठ करना डेली। ठीक है, चलो पत्नी को खिलाना।
रामायण का डेली पाठ करना, पत्नी तो तुम्हारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो तुम्हारे घर रामायण है ना, तो काय रखने के लिए वो है? वो पढ़ते थे लॉकडाउन में, उसके बाद छोड़ दिए जो है। अच्छा, लॉकडाउन में पढ़ते थे? हाँ बिल्कुल। तो अब क्या चाह रहे, दोबारा फिर लॉकडाउन लग जाए? पढ़ना से नहीं, तुम्हारे घर में लॉकडाउन लग जाएगा। ठीक है, हाँ। बोलिए श्री आतिवान महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, बोलिए श्री प्रेतराज सरकार की। अगला नंबर, अमित, अमित कोई है? तो सबकी अर्जी लगी है तुम लोगों की ना? चलो तुम्हारे ही नंबर आ, तुम आओ, तुम्हारे ही है।